इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं। चलो गाइस, अब देखो आपको पता है कि ये Na+ चार्ज होता है, Cl- भी चार्ज होता है, ये दोनों जब मूव करते हैं तो हमको इनसे वापस इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, ऐसी बात नहीं है, जब ये मूव करेंगे तो ही, ठीक है। तो चलो देखते कितना चार्जेस थोड़ा करंट वगैरह का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, बहुत इजी है, थोड़ा रुक जाओ आराम समझेगा आपको। तो पहला पॉइंट समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में यहाँ के सारे फॉर्मूले आपको याद करने, फॉर्मूला ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं सारा फॉर्मूला ही आपको बताने भी जा रहा हूँ। चलो समझते हैं, तो कैलकुलेशन जो है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमारी पास हुई। तो कभी भी जो इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट होता है, करंट डिपेंड होता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोड इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू द करंट, यही होता है। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ अगर ये पता चल गया तो कितना करंट फ्लो हुआ ये भी हमें पता चल जाता है। यानी कि टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमको पता करना पड़े कितना चार्ज अपना फ्लो हुआ इन द करंट विद द हेल्प ऑफ करंट, यानी वही करंट में कितना चार्ज फ्लो हुआ यह भी पता करना पड़ेगा। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड लाइक दिस, क्यू इज इक्वल टू ए इंटू टी। अब ये सी और ये ए और ये एस में ज्यादा दिमाग मत खराब करना, ये चार्ज की यूनिट कूलम्ब है, आई की यूनिट एम्पियर ए है, टी की यूनिट सेकंड एस है, तो वो यूनिट बगल में ब्रैकेट में देख के रखा, उसको डरो मत देख के, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैं ऐसा दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से यूनिट वगैरह आपको दिया हुआ है। तो आपको समझ गया, अगर आप चार्ज पता कर लिए तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई यानी कितना करंट पास हुआ आप जान जाओगे, कितना चार्ज पास हुआ। तो बट चार्ज कितना पास हुआ वो कैसे पता करोगे, तो चलो अब यहाँ पे समझना है। तो इलेक्ट्रॉन तो कितने निकल रहे हो तो जानोगे, क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा था वो तो आपको समझेगा ही ना, और अगर नहीं भी पता तो निकालना पड़ेगा। तो ये सब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल नॉलेज होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, कभी भी एक चीज याद रखना कि वन मोल ऑफ अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास है तो उसके अंदर 96500 चार्जेस होते हैं, इतने कूलंब का चार्ज होता है, इतने कूलंब का चार्ज एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में होता है। और एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जानते हो क्या होता है, वही एवोगाड्रो नंबर कितना इलेक्ट्रॉन, 0.6022 × 10⁻³, इतने इलेक्ट्रॉन्स में इतने चार्जेस होते हैं। तो कितना चार्ज पास हुआ था वो अपना क्यू है, उससे डिवाइड कर दो उसको, जो आपका वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके पास उससे डिवाइड कर दो तो आपको टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास मिल जाएगा, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए होंगे वो आपको मिल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन में, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में इतने चार्ज, और इतना चार्ज पास हुआ था रियल में, और एक मोल में इतने चार्ज होते भी हैं। थोड़ा सा मैथ्स को समझो यार, यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स इस्तेमाल हो रहा है, थोड़ा समझ सकते हो ना आप लोग, फिजिक्स मैथ्स वाले तो अच्छे समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा, टोटल इतना चार्ज फ्लो हो रहा है जो कि आई इंटू टी है, ठीक है। वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में इतने सारे चार्ज होते हैं, तो अगर मैं मानूं कि वन मोल ऑफ, सपोज दैट अगर चार्ज आपका पास हुआ है, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपका पास हुआ है तो वन मोल में इतने चार्ज होते हैं, और टोटल इतने चार्ज पास हुआ है, तो कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुआ होगा, कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुआ होगा मैं पूछ रहा हूँ, समझ गया। सो इसीलिए यहाँ पे अब देखो, तो इसीलिए यहाँ पे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पास हुआ वो ये टोटल चार्ज अपॉन एक मोल में कितने चार्ज होते हैं वो डिवाइड कर दो तो आपको टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, यानी क्यू अपॉन 96500, ये आपका टोटल कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपका मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया, इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुए, ये सब न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा। चलो यहाँ पे आ जाओ, डरो मत देख के, डरो मत, जितना जरूरत है उतना ही बताऊंगा, इसकी नोट्स भी आप बना नहीं सकते हो, तो कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा, कुछ चीजें हैं जिसकी नोट्स नहीं बनती है, मेरी बात मानो, ठीक है। तो इसलिए चलो देखो यहाँ पे, तो कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, अब रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों फॉर्म होते हैं, तो चलो मान लो सपोज दैट दिस इज दी एनी रिएक्शन, सपोज ऐसे मान लो ये एक रिएक्शन है, हम यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक की बात करेंगे, कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, तो कॉपर है दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज कर रहा है, और जो प्रोडक्ट है वहां पे सिर्फ एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक मोल ऑफ कॉपर को बनाने के लिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स को हमको इस्तेमाल करना पड़ रहा है, यानी कि टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन मोल ऑफ कॉपर। अब समझा क्या, तो वन मोल ऑफ कॉपर के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स हमको इस्तेमाल किए जाते हैं, दो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्रिक नंबर होता है उसी से हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, मतलब उसी से हमें पता चलेगा कितना नंबर ऑफ मोल्स इस्तेमाल हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के बगल में दो लिखा मतलब दो मोल, कॉपर के बगल में कुछ नहीं मतलब एक होता है, मतलब एक मोल ऑफ आपका कॉपर है। तो इस तरीके से यहाँ से आप ये निकाल लोगे, तो यहाँ से एक और हमें फॉर्मूला मिलता है मोल रेशियो का। अब इस फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा, मैंने बोला ना पूरा फॉर्मूला ही है यार, मैं फॉर्मूला समझा रहा हूँ आपको और इसमें से कुछ नहीं कह सकता हूं मैं, फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे,
अब अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस आपका एम ए बी स्क्वायर, तो हमें क्या कर सकते हो इसमें, आपको याद भी करना पड़ेगा, नहीं याद करोगे नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, याद कर लो तो आ जाएगा। ठीक है, तो मोल रेशियो क्या होता है, ध्यान देना बहुत चिंदी भी ऐसी बात नहीं है। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन दी हाफ रिएक्शन, कितने प्रोडक्ट फॉर्म हुए, वन फॉर्म हुए अगर इस रिएक्शन की बात करो तो, और मोल्स ऑफ अपॉन में मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इन दी हाफ रिएक्शन, कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, टू इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या रखोगे, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो वन मोल ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ है, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है इसी रिएक्शन में, तो दो इलेक्ट्रॉन आपको रिक्वायर्ड है, मतलब मोल रेशियो कितना होगा, वन अपॉन टू का, टू इज द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर द हाफ रिएक्शन, यानी कि जो यहाँ पे आपका रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है हाफ वाला ये, और कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, मतलब वन, तो वन अपॉन टू इज दी मोल रेशियो, ये मोल्स का रेशियो होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मतलब कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ अपॉन कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुई है। चलो देयरफॉर आगे बढ़ते हैं, मोल प्रोडक्ट कितना होगा, मोल प्रोडक्ट ये कितना होगा, सो कितना होगा, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास इनटू मोल रेशियो, यही आपका मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कहलाएगा। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में मोल इलेक्ट्रॉन कितने पास हुए, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कितने पास हुए हैं, अभी अभी हमने फाइंड किया, तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास क्यू अपॉन 96500, तो उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो और मोल रेशियो आपका है ये, और क्यू की वैल्यू क्या होती है, अभी अभी हमने निकाली, आई इंटू टी निकाला ना, तो यहाँ पे देखो क्यू की जगह में आई इंटू टी पुट कर दो अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड कितना है, तो आपको ये फॉर्मूले से सारी वैल्यू फटाफट निकाल देनी है, समझ गया, ये बात ध्यान रखनी है, नहीं निकाल पाओगे फॉर्मूला याद नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आई डोंट डू एनीथिंग। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आई कांट हेल्प। ठीक है, सिंपल सी बात है। सो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म यहाँ पे क्या होगा, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे इतना आपका फॉर्म हुआ, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास हुए, तो इतने इलेक्ट्रॉन पास होती है, व्हाट इज द मोल रेशियो, तो कितना मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ अपॉन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो आपका मोल रेशियो हो गया। सो मैंने सब रिवाइज कर दिया है, आपको यहाँ पे अच्छे समझ लेना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट अपना ए प्लस बी यहाँ पे और इक्वल टू कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, मान लो ए बी फॉर्म हुआ, तो इसका मास कितना है। सो हम लोग को पता है कि मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास। तो मास को मैंने यहाँ पे डब्ल्यू दिखाया है, डब्ल्यू। ठीक है, तो देखो मास इक्वल टू मोल इनटू मोलार मास हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट इनटू मोलार मास इक्वल टू मास, और मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट अभी हमने यहां से निकाला, देखो मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट, तो मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट कितना होगा, आई इंटू टी अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो, यही होता है ना, आई इंटू टी अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो, यही तो है मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो मोल्स मिल गया ना, तो इंटू मोलार मास ऑफ द प्रोडक्ट भी कुछ होगा, तो मोलार मास तो हम निकाल सकते हैं, जैसे CO2 अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका कुछ ना कुछ मोलार मास होगा, 44 होता है फिलहाल। ठीक है, तो ऐसे मोलार मास ऑफ द प्रोडक्ट यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो और आपको मास ऑफ द प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से कितना आपका केमिकल बना, मतलब ए और बी अगर आपने अगर किया, जैसे कि एन ए प्लस और सी एल माइनस अगर आपने किया, तो यहाँ से आपका कितना एन ए सी एल बना, कितना मास इसका है, कि कितना केमिकल यहाँ पे फॉर्म हुआ, इस तरीके से आप इन फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो इजिली, समझ गया। सो ये गाइस आपका रिलेशन है, तो करंट इनटू टाइम 9650 जो करंट होता है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में, मोल रेशियो क्या होता है, ये कितना नंबर ऑफ मोल इसका है अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन लगे, तो ये आपका मोल रेशियो हो गया, और मोलार मास कितना होगा वो तो आपको पता ही होगा, वो तो एग्जाम में दिया ही रहेगा, अगर मान लो CO2 है तो उसका निकाल लोगे, मोलार मास तो निकाल ही लोगे ना यार, सिंपल सी बात है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो उसी तरीके से दूसरा यहाँ पे देखते हैं, सपोज दैट मान लो दो सेल इस बार इस्तेमाल हुई, एक सेल में मान लो एक सॉल्यूशन था NaCl का, अब हम यहाँ पे दो दो सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ये रिलेशन मिल चुका है। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, मतलब ये किसी भी प्रोडक्ट का मास क्या होता है, I into T, where I is the current, T is the time upon 96500 charge into mole ratio into molar mass of the product, ये होता है किसी भी प्रोडक्ट का मास। ठीक है, ये आपको रिलेशन याद रखना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, मान लो दो सेल अगर मैंने इस्तेमाल किए, तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या रिलेशन मिलेगा। तो गाइस सपोज दैट पहले सेल के लिए जो मास होगा प्रोडक्ट का वो Q अपॉन, Q की जगह में आप I इंटू टी लिख सकते हो। ठीक है, Q की जगह में I इंटू टी, अभी देखो यहाँ पे जैसा कैसे Q की जगह में I इंटू टी लिखा हुआ है, अपने यहाँ पे देखो ना Q की जगह में I इंटू टी होता है। तो अगर सपोज दैट दो सेल अगर आपने इस्तेमाल किए, तो मास इक्वल टू क्यू अपॉन 96500 इनटू मोल रेशियो इनटू मोलार मास, यही होगा ना मास, देखो ना यही होगा ना मास, ये तो फॉर्मूला है। तो यहाँ पे m1 ले लिया मोलार मास की जगह में पहले सेल के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले सेल के लिए मोलार मास m1 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से और ये क्या है आपका, आपका मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट है, समझा कि नहीं, इनटू ये मोल रेशियो है, ये आपका मोलार मास है, ये आपका मास है,
समझ गया। चलो तो अब इसको आप साइड में निकाल दो, ये इज इक्वल टू मोल रेशियो इंटू एम वन इंटू डब्ल्यू वन। देखो ये आपका आ जाएगा इक्वल टू, ये आपका इक्वेशन नंबर वन रखो। दूसरा सिमिलरली फॉर द सेकेंड सेल, सेकेंड सेल के लिए भी अगर आप निकालोगे तो ये W1 के जगह पास W2 हो जाएगा और M2 हो जाएगा, यहाँ पे M यहाँ पे मोल रेशियो 2 हो जाएगा और बाकी कुछ तो बदलने वाला है नहीं। तो और बाकी इक्वल टू ये सेम सेम रहने वाला है, Q अपॉन 96500 ये तो सेम रहेगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। तो फ्रॉम द गाइस इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 सिंपल सी बात है, कितना चिंदी देखो यार। तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल इक्वल है, यानी कि हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि हम ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि ये पार्ट और यहाँ पे ये पार्ट इक्वल इक्वल है ना, समझ रहे हो। मतलब इसकी वैल्यू क्या है बताओ जरा, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये है ना W1 अपॉन मोल रेशियो 1 इनटू M1, तो इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा तो देखो वही आएगा ना, W1 अपॉन मोल रेशियो 1 इनटू M1 इक्वल W2 अपॉन मोल रेशियो 2 इनटू M2, दैट्स इट। इतना यहाँ पे लिखो और दिस इज द रिलेशन फॉर द टू सेल्स। तो दो सेल दिए रहेंगे तो इस तरीके से आप निकालोगे, ठीक है। तो दो सेल में एक सेल का मास या दूसरे सेल का मोलार मास या वही मतलब पहले सेल का मोल रेशियो, और यहाँ पे दूसरे सेल का मास, दूसरे सेल का मोलार मास, दूसरे सेल का मोल रेशियो, इस तरीके से रेशियो आपको अगर मान लो पहले सेल का मास दिया है, मोलार मास दिया है, मोल रेशियो दिया है, और दूसरे सेल का मास दिया है, मोलार मास दिया है, बट मोल रेशियो पूछा है, तो आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप दोनों सेल्स के बारे में अगर कुछ आपको दिया है तो आप कोई भी चीज अगर क्वांटिटी निकालनी तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। तो दो दो सेल्स के लिए ये वाला है, एक सेल के लिए होगा तो ये वाला है। तो मास इज इक्वल टू आई इंटू टी, आई इंटू टी मतलब क्या है, चार्जेस, ठीक है, अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलार प्रोडक्ट। मोल रेशियो क्या होता है, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन लगे, मोलार मास तो आपको पता ही है। इस तरीके से आप सब चीजें निकाल सकती हो। अगर ओनली मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करने वाला तो ये फॉर्मुलाइज करना, अगर ओनली मोल रेशियो तो सिर्फ ये निकालना, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ऊपर भी यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले, अगर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बोला तो सिर्फ आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। ऐसी अगर मान लो आपको मोल रेशियो तो सिर्फ ये लगाना, अगर मान लो आपको सिर्फ चार्ज पूछा तो आई टू टी लगाना, अगर आपको सिर्फ पूछा कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे तो क्यू अपॉन 96500 लगाना, समझ गया। देखो तो मैं आपको अच्छे से ये सारी चीजें लिख देता हूँ जो आपके पास ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे देखो मैं अच्छे से लिख देता हूँ जिससे कि आपको हमेशा के लिए कभी भूलेगा नहीं, जो भी चीज वहां पे आपको लिया है ना तो वो चीज आपको कभी भूलने नहीं वाली है, ठीक है। देखो मैं आपके थोड़े बहुत आपको फॉर्मूले के लिए हेल्प कर दूंगा, ध्यान से देखो बस आप लोग, ठीक है। मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलार मास, अब यहाँ पे फिलहाल मास को डब्ल्यू से दिखाया गया है, ठीक है। चलो तो मास अपॉन मोलार मास हो गया। चलो दूसरा मैं और लिख के दिखाता हूँ, इसी फॉर्मूले को मैं अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है। मास अपॉन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ध्यान देना अच्छे से, इनटू मोलार मास हो जाएगा, ठीक है, मोलार मास। ये मोल्स कैसे आए, देखो ये मोल है, मास इधर है, मोलार मास इधर है, तो अगर मैं मुझे मास चाहिए तो मोलार मास को इधर भगा दूंगा तो मोल्स इनटू मोलार मास, देखो यही चीज लिखी हुई है। चलो अब मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है, तो मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट क्यू अपॉन, मैं अच्छे से लिख रहा हूँ 96500, ठीक है, इनटू मोल रेशियो होता है, ठीक है, ये आपका हो गया इस तरीके से, इनटू ये आपका हो गया मोलार मास, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, जाओ जो अभी देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट, सिर्फ इतना सा पार्ट, ये क्या है, ये आपका मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट, सिर्फ इतना है। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि कोई भी चीज दे दी, कोई भी न्यूमेरिकल, और बोला कि फाइंड द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट, सिर्फ यही लगाना फॉर्मूला। अगर आपको बोल दिया कि फाइंड मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट ओनली, तो आप फिर ये पूरा लगाना, ये आपको पूरा लगाना पड़ेगा, और मोलार मास अगर बोल दिया मास ऑफ दी, तो फिर आपको पूरा ये मास के लिए फाइंड करना पड़ेगा, समझा। तो इसी एक फॉर्मूले से आप छोटे छोटे बहुत सारे फॉर्मूले जान चुकी हो, मतलब मोल्स ऑफ दी इलेक्ट्रॉन बोलो तो सिर्फ इतना ही लगाना है, और जहाँ की क्यू की वैल्यू कितनी होती है, आई इंटू टी होती है, हमेशा याद रखना। तो इसीलिए देखो यहाँ पे क्यू की जगह में आई इंटू टी लिख के रखा है, मैंने यहाँ पे सिर्फ क्यू लिख दिया है, आप क्यू की जगह में आई इंटू टी याद रखना, ठीक है, क्योंकि आई इजुगल टू क्या होता है, आई इजुगल टू क्यू अपॉन टी होता है, आपको याद होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद रखना, तो ये मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट, ये टोटल अगर इनटू मोल रेशियो इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट मिल जाएगा,